आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। आज बुलाया गया जी कि 6 साल पहले जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की सबसे छोटी कंपनी है पीएमडीसी, जिसका डिवॉल्व हो गया था सब्जेक्ट, अब वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, उसमें आपने एमडी लगाए तो वो गलत लगाए। मैंने कहा यार गलत लगाए सही लगाए, एक प्रोसेस हुआ है उसके तहत लगे हैं। अब प्रोसेस भी हुकूमत में बहुत से मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, और मज़े की बात यह है कि वो साहब जो हैं ब्रिगेडियर खोकर साहब, वो 8 साल इसी पोजीशन पर पहले रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो इस्टेब्लिश हो गया ना कि क्वालिफाइड हैं, तो क्वालिफिकेशन में मसला तो नहीं है। मैं कहा फिर कि जी वो ये रूल था तो वो रूल था। मैंने कहा रूल्स के तो ऑडिट पैरे बनते हैं। और आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नैब के लिए ये है कि वो पीएमडीसी के 6 साल की पहले अपॉइंटमेंट ढूंढे कि कैसे हुई और क्यों हुई। मैंने कहा ठीक है अगर कोई करप्शन हुई है तो आप बताइए। नहीं करप्शन नहीं है, रूल्स की वायलेशन। मैं कहा कौन से रूल की वायलेशन है, तो ये बताने से कासिर हैं। फिर मैंने ये कहा मुझे ये बताएं कि इससे पहले लोग कैसे लगते रहे, इसके बाद कैसे लगते रहे। हुकूमत तो प्रेसिडेंस पे चलती है, उसका कोई जवाब नहीं है। मैंने इनसे ये कहा मुझे ये बता दें इस हुकूमत को आदमी लगाए आज तक कि नहीं। मैंने कहा इसीलिए नहीं लगाया कि जब तक नैब होगा इस मुल्क में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि आपका मकसद है कि सियासतदानों की बेइज्जती की जाए, गुजरा की बेइज्जती की जाए, अखबारों में दिया जाए। मैंने कहा हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन जो सरकारी अफसर है जो इज्जत के साथ ईमानदारी के साथ नौकरी करके रिटायर हो गया, आज आप 6 साल के बाद उसको नैब के अंदर घसीट रहे हैं किस मकसद के लिए, कि सियासतदानों को अंदर किया जाए। मुश्किल तो उसको भी आएगी, तकलीफ तो उसको भी होगी, खर्चा तो उसका भी होगा, इसका कोई जवाब है आपके पास? तो मेरी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो नैब के हिसाब से गलत हैं, सवाए एक अपॉइंटमेंट के, चेयरमैन नैब की। तो मैं कहता हूँ वो भी ये केस बना दें, वो तो बड़ा सीधा केस है, सारा पाकिस्तान कह रहा है कि चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट गलत है। तो ये आज ये तमाशा इस मुल्क में लगा हुआ है, इस तमाशे को ख़त्म नहीं करेंगे ये मुल्क नहीं चलेगा। गिरफ्तारियाँ करनी गिरफ्तार कर लें, आपने पोलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है ज़रूर करें, लेकिन मुल्क को चलने दें। आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है, हर पोजीशन खाली है, बोर्ड में लोग आने को तैयार नहीं है। नॉन क्वालिफाइड लोग, जो कंपनियां अरबों डॉलर के फैसले करती हैं, वहां पर बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं जिनको आप एक दुकान ना दें। एमडीज नहीं लग पाते किसी भी पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनी का, आज एमडी नहीं है। फिर कहते हैं जी गैस की शॉर्टेज हो गई, फिर कहते हैं जी आज बिजली बंद हो गई। भाई काम कौन करेगा जब आप हरकतें ये करेंगे? कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि कंपनीज के मामलात में एसईसीपी रेगुलेटर है, नैब की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ये कानून है मुल्क का, यहां पर कभी किसको घसीटते हैं कभी किसको घसीटते हैं, तो ये मामलात चलने वाले नहीं है। ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। मैं तो हमेशा कहता हूं ये नैब चला दें, ये मुल्क चला दें। आज उसकी एक और मिसाल आपके सामने है, 6 साल बाद पीएमडीसी के एमडी के अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ रहे हैं जी उसमें ये रूल ऐसे था। मैंने कहा ये रूल वैसे भी है,